mothers. Welcome to the Dream Baby Garbhsanskar. If you want to watch this video in English, please check link below the description box. अगर ये वीडियो आप हिंदी में देखना चाहते हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि गर्भ संस्कार कब शुरू करें, गर्भ संस्कार पूरी दुनिया में कैसे लोकप्रिय है, गर्भ संस्कार के क्या लाभ है। चलिए शुरू करते हैं। गर्भ संस्कार कब शुरू करें? गर्भ संस्कार सिर्फ गर्भावस्था के दौरान देखभाल के लिए नहीं है, किंतु इसकी तैयारी गर्भधारण करने से लगभग एक वर्ष पहले ही शुरू हो जाती है। गर्भ संस्कार में गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान और यहाँ तक कि स्तनपान की अवधि भी शामिल होती है। साथ ही यह प्रक्रिया बच्चे की 2 वर्ष की आयु तक माता पिता का मार्गदर्शन करती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों और वेदों में गर्भ संस्कार को संदर्भित किया गया है, किंतु यह अभ्यास सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियाँ एक माँ और गर्भ में पल रहे शिशु के अटूट संबंध को प्रोत्साहित करती है, जो प्रीनेटल एजुकेशन समान ही है। पश्चिमी देशों में माएँ अपने बच्चों को अविश्वसनीय रूप से हेल्दी एंड स्मार्ट बनाने के लिए अक्सर मोजार्ट का शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करती है। गर्भ संस्कार के ज्ञान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे कई विभिन्न आधुनिक प्रीनेटल प्रैक्टिसेस निकली है, वो इसी ज्ञान से प्रेरित है। ऑटोसजेशन एंड हिप्नोसिस यह ध्यान की ऐसी टेक्निक है जिसमें एक विशेष विचार हमारे मस्तिष्क को बिजी रखता है और वह वास्तविकता में परिवर्तित हो सकता है। कलर थेरापी, इस प्रक्रिया में मन को संतुलित करने के लिए कलर एवं रोशनी का उपयोग किया जा सकता है। कुछ कलर्स हमारे मूड को अच्छे कर सकते हैं और हमारे मन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अरोमा थेरापी, यह थेरापी इंद्रियों को पावरफुल करने के लिए सूंघने की शक्ति का उपयोग करती है और मन एवं शरीर को शांति प्रदान करती है। माओं को तनाव मुक्त करने के लिए एसेंशियल ऑयल और अन्य एरोमेटिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। गर्भ संस्कार के लाभ क्या है? शिशु के पहले विचार को आकार एक माँ देती है। सकारात्मक सोच एवं सकारात्मक मनोभाव माँ के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को लंबे समय के लिए सुनिश्चित करता है, जो गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। गर्भ संस्कार माँ के और गर्भस्थ शिशु के बीच का एक अलौकिक संबंध को विकसित करने में मदद करता है। वैसे तो विशेषज्ञ माओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्भ संस्कार का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, किंतु इसमें गर्भस्थ शिशु के लंबे समय तक लाभ छिपे हुए हैं, जो शायद इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगे। शिशु के संवाद को गर्भ संवाद भी कहा जाता है, जो उसके मानसिक विकास में मदद करता है और माँ एवं शिशु के बीच एक मजबूत रिश्ते बनाता है। अपने शिशु के लिए संगीत सुनने एवं पढ़ने से भविष्य में शिशु को बेहतर नींद में मदद मिलती है। आपका बच्चा अधिक सतर्क, ज्ञानी और आत्मविश्वासी भी बन सकता है। बच्चा बेहतर प्रतिक्रिया दे सकता है, अधिक सक्रिय रह सकता है और जानकार भी हो सकता है। माँ और शिशु के बेहतर रिश्ते से आपका बच्चा अच्छी तरह से स्तनपान कर सकता है। गर्भ संस्कार करने के लिए शिशु की देखभाल और उससे बातें करें, यहाँ तक कि पिता शिशु से बातें करके उसे अपनी आवाज़ से परिचित करवा सकते हैं। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु यह आपके और आपके बच्चे के रिश्ते के विकास में मदद करता है। अपने शिशु के लिए रोज़ाना कुछ अलग करें, अपनी आवाज़ को बदल कर बात करें, उसे बताएं कि आप उसे अपने जीवन में पाकर कितनी खुश है और उसे बताएं कि आप कितनी व्याकुल है उसे देखने के लिए, उसे छूने के लिए, उसे महसूस करने के लिए। सकारात्मक रहना आवश्यक है। इस दौरान आप अपने तनाव और बुरे विचारों को त्याग दें। छुट्टियां लेकर किसी बेहतर जगह पर घूमने जाना भी आपके लिए बेहतर विकल्प है।
यदि आप मानसिक रूप से शांत महसूस नहीं कर पा रही है तो छुट्टियों में कहीं घूमने जाएं। आजकल बेबी मून बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो शुरुआत में ये सभी कार्य आपके लिए अजीब हो सकते हैं, किंतु ये सब आपके शिशु के संबंध को विकसित करने में मदद करेंगे। गर्भ संस्कार की जड़ी प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में है। यह माँ के स्वास्थ्य एवं शिशु के स्वास्थ्य के विकास पर ही केंद्रित है, किंतु इससे ज्यादा गर्भ संस्कार माँ एवं शिशु के संबंध को बेहतर बनाने के लिए भी केंद्रित है। गर्भ संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्वस्थ आहार, सकारात्मक विचार, नियमित व्यायाम और प्यार। गर्भ संस्कार के सरल सिद्धांतों को व्यवहार में लाएं और इससे मिलने वाली शांति का अनुभव करें। तो आइए अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान, बहादुर और शांत बनाने के लिए गर्भ संस्कार का पालन करना शुरू करें। हम अपने आने वाले वीडियो में गर्भ संस्कार का अभ्यास देखेंगे। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।